बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईटीसी हर्बल चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीरम लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत आसान है, होममेड सीरम है, घर की चीज़ों से तैयार होता है, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको दो आदद चीज़ें आपको बाहर से परचेज़ करनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, हर घर में होती हैं। तो सर्दियों में ये सीरम जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का रिज़ल्ट देता है स्किन पर। आप ये यूज़ करें सीरम, रात में आप लगा के सोएं, एज अ नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सीरम को। आपकी स्किन टाइट करेगा, शाइन करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन करेगा, ठीक है जी। तो आपकी स्किन के तमाम मसले मसाइल, पिगमेंटेशन, रफ डल, डैमेज जो है इस सीरम से दूर होने वाली है। तो आज का ये पावरफुल और मैजिक सीरम बनाने से पहले आप चले जाइए मेरे चैनल पर, अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपको मेरी वीडियो का मिलता रहे और जो है वो आपको मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, ठीक है जी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट्स कर दें। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त किस्म का वाइटनिंग सीरम, जो कि आपने नाइट में यूज़ करना है और बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं इसके, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से तो आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह आपकी स्किन पर टोनर का काम करती है। तो सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल चाहिए। इसकी हम करीबन 2 टीस्पून के करीब हमने एलोवेरा जेल डाल दी। एक बाउल हमें चाहिए, बाउल में डाल दी। तो 2 टीस्पून एलोवेरा जेल होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर ग्लैसरीन चाहिए। याम ग्लैसरीन नहीं है, ये रोज़ वाटर के साथ ग्लैसरीन है, ठीक है। ग्लैसरीन तो ये है, लेकिन इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड किया गया है। आप चाहे तो सिंपल सादी भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो 2 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर ग्लैसरीन ले लेनी है। इसको आप अपने हाथों पर लगाएं, पैरों पर लगाएं, स्किन पर लगाएं। इस सीरम से आपकी स्किन, हाथ, पाँव नरम मुलायम शाइन होंगे, ठीक है जी। तो ये आप अपने हैंड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अलग से भी रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक एक ही में दो चीज़ें मिल रही थी, रोज़ वाटर भी मिल रहा था और ग्लैसरीन, लेकिन रोज़ वाटर मैं दोबारा से फिर भी ऐड करूँगी। तो जितना हम रोज़ वाटर इसमें ऐड करेंगे, उतना हमें फ्रेशनेस लुक हमारी स्किन पर आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें इसमें ऐड कर ली बाउल में, तकरीबन एलोवेरा जेल भी चले गया और ग्लैसरीन भी चलेगी। और यहाँ पर घर में कोई सा भी लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच वालों का ले रही हूँ, सूथिंग लोशन ले रही हूँ। तो आपके घर में कोई सा भी अवेलेबल है तो आप इजीली उसको ले सकते हैं। पॉन्ड्स भी ले सकते हैं, वेसलिन भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड है, ठीक है। तो तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने लोशन इसमें ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर हमें वाइटनिंग कैप्सूल इसमें 1 अदद हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये सीरम जो है हमारा वाइटनिंग का काम देगा। तो तकरीबन हमने 1 अदद जो है वो सीरम इसमें ऐड कर देना है, वाइटनिंग कैप्सूल अपने सीरम में। तो विटामिन ई कैप्सूल हमें 1 अदद चाहिए होगा, वो हम यूज़ कर लेंगे। विटामिन ई कैप्सूल भी हमें जो है वो 1 अदद आपने ले लेना है। कुछ इस शेप में ही मिल जाता है, ये हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है। अगर जो चीज़ नहीं है आपने वो बाज़ार से बाय कर लेनी है, तो इजीली अपना सीरम जो है वो घर पर ही तैयार कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर वाइटनिंग कैप्सूल भी हो गया, वाइटामिन ई कैप्सूल भी हो गया, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इलादा से रोज़ वाटर इसमें तकरीबन अपने सीरम के मुताबिक इतना, अगर क्वांटिटी आप जितनी थिक करना चाह रहे हैं, थिन करना चाह रहे हैं, ये थिक करना चाह रही हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना चाह रही हूँ, ताकि ये हमारा सीरम रेडी हो। तो उम्मीद है ये हमारा सीरम बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। उसको हम इस कंटेनर में सेव कर लेंगे, उसको रात रोज अप्लाई करेंगे और बेस्ट रिजल्ट हमारा हासिल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।